अब देखो मुस्लिम, ये जो दुश्मनान इस्लाम है, मुसलमानों में मुसलमान बन के साजिशें करते रहे, मुसलमान बन के वो साजिशें करते, मुस्लिम बन के कोई काम करेंगे तो मुसलमान बदनाम हो जाएंगे। मुसलमानों के अंदर जो है तो मामूली से मामूली बातें, छोटी छोटी बातों में कि कहीं जाके कोई अल्लाह अकबर बोल के नारा लगा दिए, टोपी पहन लिए, इस्लामी ड्रेस पहन कर तो कहीं जाके कोई बुरा काम कर दिए, तो ये भी साजिश है। बहुत सा बार तो ऐसा था कि कोई जो मुजरिम जो है अपना नाम पुलिस में मुस्लिम बता देता, पुलिस वाले ये बात तक तहकीक नहीं करते कि वो मुसलमान है क्या, कौन है वो, जो अपना नाम बता दिया वो नाम लिख लेते, इसने ये जुर्म किया फलां किया, और बाद में दूसरे दिन पेपर में आ जाता कि अफरोज भाई ने ऐसा कर दिया, फलां शुजात खान ने ऐसा कर दिया, फलां ने ऐसा कर दिया, वो उसके ऊपर केस चलता, आदमी बात दब जाती, बातें पता चलता कि वो मुस्लिम था ही नहीं। ऐसी भी बातें हुई। और दुश्मनों का जो है ना दूसरे मुल्कों में, जो इस्लामी मुल्क है, जो कमजोर इस्लामी मुल्क है, वहां पे जो है वो लोग क्या करते हैं, गुर्बत फैलाते हैं। दुश्मनों के अंदर साजिश में ये है कि वहाँ गुर्बत भी फैलाते। मैं इंशाल्लाह इसके बारे में पूरे टॉपिक जो है अगले चैप्टर में निकालूंगा कि दुश्मनान इस्लाम जो है मुस्लिमों के खिलाफ क्या क्या साजिश करते हैं। यहाँ थोड़ा सा पढ़ के बता दूंगा कि हमारे खिलाफ जो है ना दुश्मनान इस्लाम ये भी करते हैं हमारे खिलाफ, आज के जदी जमाने के अंदर साजिश बता रहा हूँ, कि कोई इस्लामी मदरसा है, कोई इस्लामी इदारा है जहाँ की इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत हो रही है, दीन की तालीम दी जा रही है, ऐसे इदारों को बदनाम करने के लिए, उनको जो है ना कानून के शिकंजे में लाने के लिए भी बहुत से काम करते। अब हमारे जो इदारे हैं, मुस्लिम इदारे हैं, उनके पास हमेशा फंड की कमी रहती, पैसों की कमी रहती, मुसलमानों के पास भी इतना पैसा नहीं है कि उनकी मदद करेंगे, चंदा देंगे, इतना नहीं है। बहुत से उनके मुसलमान के 100% इदारे चंदों पे ही चलते, कि मुसलमानों से पैसे जमा करते, उनके सफीर घूमते रहते, और सफीर जो है तो लोगों से पैसे चंदे जमा करके सदका खैरात जमा करके लेके आते, जकात लेके आते, और वो उनसे वो चलते रहते। मगर फिर भी जो है ना वो हमारे पास इतने मसले मसायल है, इतने हर किस्म के मसले हैं, तो हमारे पास फंड की हमेशा कमी रहती। तो हमारे जो इस्लामी इदारे हैं जो सही दीनी काम कर रहे, जो सही दीनी काम नहीं कर रहे, गुमराह कर रहे, वो उनको जो है ना हमारे दुश्मनान इस्लाम टारगेट नहीं करते, बल्कि उनको तो सपोर्ट करते। मगर जो सही दीनी काम कर रहे हैं, अल्लाह रसूल की सही बात बता रहे, ऐसे इदारों को रोकने के लिए दुश्मनान इस्लाम ने ये चाल चली हुई है कि हमारे इदारों के पास वो मुस्लिम बन के आते, सिर पे टोपिया पहन के आते, दाढ़ियां हैं, इस्लामी इल्म भी हासिल कर लेते, जो कादियानी किस्म के लोग हैं, कादियानी हो गए मुसलमानों में, जो मुलहद है, एक्स मुस्लिम जिसको बोलते हैं, जिन्होंने इस्लाम तर्क करके गैर मुस्लिम हो गए, ऐसे लोगों को भी भर्ती करते कि तो उनको उर्दू, अरबी, फारसी सब जबानें आती है, कादियानों को भी लेके आते। आप हमको क्या मालूम कौन सामने कौन है, बड़ी दाढ़ी हो, अच्छे मौलाना फला फला नाम बोल के। अब हर एक इंसान के बारे में तो हम बता नहीं सकते ये कहाँ का रहने वाला है। जो अजनबी जब आए, वो ऐसे लोग लेके आ जाते और बताते कि हम अमेरिका से आए हैं, हम फ्रांस से आए हैं, ब्रिटेन से आए हैं, और हम जो है तो दुबई से आए हैं और शारजा से आए हैं, ऐसा ऐसा बताते हैं वो लोग। और वो बता के बोलते हैं कि हम तो आपके इदारे को फंड देना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं, हमारे पास पैसा है, आप दीन का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दीन इस्लाम के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम आपको फंड देना चाहते हैं, बोल के वो डोनेशन देते, अच्छा खासा बड़ा देते डोनेशन, लाखों रुपया देते, वो दे के चले जाते। और जाने के बाद वो लोग रहते, वो दुश्मनों के एजेंट रहते, जो मुस्लिम बन के आए रहते, उनको ही मालूम रहता कि किसको उन्होंने दिया, क्या दिया, रसीद भी ले लेते इस्लामी इदारे से, उसकी रिसीप्ट भी ले लेते, हमने इतना पैसा दिया बोल के। बाद में ये खामोश बैठ जाते, दुश्मन इस्लाम खामोश बैठते, चलने देते। 1 साल 1.5 साल के बाद गवर्नमेंट की तरफ से इंक्वायरी होती कि तुम्हारे पास फॉरेन फंडिंग आ गई, तुम जो है तो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर पैसा यूं कर रहे, तुम फलां कर रहे, वो उसके ऊपर केस चल जाता। बाद में जो है तो वो फिर उसकी रसीद भी निकल जाती, पता चल जाता, और फला फला पकड़े गए, वो जो लोग रहते उनको भी पुलिस पकड़ लेती, जो जिन्होंने डोनेशन दिया था उनकी उन्हीं के लोग रहते पुलिस के, उनको पकड़ लेती, और बाद में उनको कब छोड़ देती पता भी नहीं चलता अपने को। मगर ये इदारा वाला फंस जाता, फॉरेन फंडिंग में फंस जाते, और जो है तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंस जाते, और इनका इदारा बिल्कुल बंद हो जाता, इनके इदारे पे इलीगल तरीके से होने के और इलीगल एक्टिविटीज का इल्जाम लग जाता और बैन हो जाता। ऐसा करके मुस्लिम इदारों को बंद करने की साजिश भी कर रहे हैं दुश्मनान। ये भी एक साजिश है कि जब हमारे पास जो बाहर से जो पैसा आता, गैर मुल्कों से जो पैसे आते, उसके अंदर भी हमको देखना चाहिए कि ये सामने वाला सही मुसलमान है या नहीं है, और जो है तो वो पैसा जो हमको दे रहा है तो वो किसी साजिश के तरीके से तो नहीं दे रहा है। मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि आप किसी से पैसा ना ले, या मैं रोकना नहीं चाह रहा, या किसी देने वाले को नहीं, एक बात बता रहा हूँ कि ये ऐसे किस्म की साजिशें भी